इस तरह से नोट बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर देखिए हम 9 फंदे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 फंदे डाल लिए। 9 फंदे हम दूसरे कलर से डालेंगे, ये देखिए 9 फंदे हम इस कलर से डाल लेंगे। ये देखिए मैं पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रही हूँ, आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट बन के आएगा। आप इसे टेबल मैट, पूजा आसन में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने एक नोट लगा लिया और एक फंदा भी हमारा बन के आ गया। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने इस कलर से डाले हैं और यहाँ पर 9 फंदे हम इस कलर से डाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमने यहाँ पर सेकंड कलर से डाले। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आप एक रो सादा भी बना सकते हैं और फर्स्ट रो से भी आप डिजाइन डालना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट रो से डिजाइन डालना शुरू करूँगी, तो उसके लिए देखिए हम इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, ऐसे उतारा और यहाँ पर देखिए हम फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के लिए देखिए हमें इस तरह से बनाया, ऐसे ऐसे बनाएंगे, पट्टी को अपनी तरफ लेके आएंगे और दोबारा से इसी फंदे में आगे की तरफ पट्टी करके और इस तरह से देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे ऐसे, और अब सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो हमें आराम से निकालनी पड़ती है ऐसे। ऐसे देखिए फर्स्ट रो हम आराम से निकाल लेंगे। इसे देखिए हमें ये जो 18 फंदे हैं हमें इन्हें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो इस तरह से देखिए ये हमने ये इस तरह से ये फंदे हमने उतार लिए। अब हम देखिए जो पीछे वाले फंदे हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस पट्टी को आगे की तरफ लेके जाएंगे ऊपर की साइड से, और पिंक वाली पट्टी को नीचे की साइड से ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। देखिए ये हमारी उल्टी रो है तो उल्टी रो में ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पर सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है। और जो ये धागा पट्टी रह गई थी इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे इसे बनाया इस तरह से और यहाँ पर देखिए ऐसे दबा लेंगे। ऐसा करने से हमारे मैट में देखिए फिनिशिंग आएगी और ये हमारा जो दिखता रहता है पट्टी ये नहीं दिखेगी, और इस सभी फंदों को हम आराम से उतार लेंगे ऐसे ऐसे। देखिए फर्स्ट रो में हमें थोड़ा सा आराम से फंदे निकालने हैं ऐसे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे। देखिए अब इस फंदे को उतारेंगे, सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदे जो जैसे कलर से हैं उन्हें वैसे ही बना लेंगे।
उल्टी रो में ही हमें फंदा बढ़ाना है और उल्टी रो में पीछे की साइड हमें दो फंदे छोड़ने हैं। और देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को उतार लेंगे ऐसे। अब देखिए इस पट्टी को पीछे की साइड करेंगे और इस पट्टी को नीचे की साइड से ऊपर की साइड लेके आएंगे और आगे की साइड लाके इसे बना देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम जोड़ लगाने के लिए जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरह से बन के आएगा हमारा ऐसे। बाकी सभी फंदे देखिए हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए सभी फंदे उल्टा बना लिया हमने। यहाँ पर देखिए इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, इसे बनाएंगे नहीं और धागे पट्टी को पीछे की तरफ रखेंगे। फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है तो उसके लिए पट्टी को पीछे की तरफ रखेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस फंदे को निकालेंगे नहीं सिलाई से, ऐसे देखिए ऐसे पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए इसी में से एक बार फिर से निकाल लेंगे। ये हमारा यहाँ पर फंदा बढ़ गया। एक फंदा हमने पिछली रो में बढ़ाया और एक फंदा अब की बार बढ़ा दिया। ये हमारे यहाँ पर दो फंदे बढ़ गए। तो देखिए इस पूरी रो को ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे। अब देखिए यहां पर देखिए इस पट्टी को आगे की तरफ किया और पिंक पट्टी को ऊपर की साइड से ऐसे बना लेंगे। और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए ये दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो फंदे जैसे कलर से हैं ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग करवाते हुए हम यहाँ पर बनाएंगे इसे। उल्टी साइड से ही हमें फंदा बढ़ाना है और उल्टी साइड से ही हमें फंदे छोड़ने हैं। और यहाँ पर देखिए सीधी रो पूरी सीधा सीधा ऐसे बनानी है ऐसे। इस तरह से देखिए ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे ऐसे, और इस पट्टी को आगे की तरफ नहीं लेके आएंगे। यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फंदा बढ़ाया पट्टी को अपनी तरफ किया, फिर से एक फंदा बना लेंगे इसी फंदे में से। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे और पिंक वाली पट्टी को पीछे की तरफ लेके आएंगे और ऐसे बना लेंगे। दो फंदे यहाँ पर फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ पर देखिए अब देखिए इस पिंक पट्टी को पीछे की साइड लेके जाएंगे और इस पट्टी को नीचे की साइड से आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। ये यहाँ पर देखिए हमारा सिलाई की तरह जोड़ा इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे हमारा होल नहीं बन के आएगा अगर इस तरह से आप इसे
क्रॉस करवाते हुए बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पूरी रो बना लेंगे। ये पूरी रो बना लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो हमने तीन भागों में फंदे डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर दो चार छः फंदे हमने छोड़ दिए इस साइड, पीछे की साइड हमने छः फंदे छोड़े और आगे की साइड यहाँ पर हमने तीन फंदे बढ़ा लिए। तीन फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए हम यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे और छः फंदे फिर से छोड़ देंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं ये देखिए आपको दिखाती हूँ। अब की बार हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर हमने तीन फंदे बढ़ा लिए। देखिए एक दो तीन, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में हमें दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है। इस तरह से देखिए इस पट्टी को हम इसमें ऐसे लपेट लेंगे। इस तरह से देखिए इसके साथ ही ऐसे लपेटेंगे और इस तरह से बना लेंगे ऐसे। और एक फंदा देखिए, ये फंदा हम पिंक कलर से बनाएंगे ऐसे क्रॉस कराते हुए। अब देखिए दो फंदे छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये पिंक वाली पट्टी पीछे की साइड छोड़ेंगे ऐसे और इस पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। इस फंदे को देखिए ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे और पिंक पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे, इस पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इस मैट को बनाना, बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे, और बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे बना लेंगे। ये इस तरह से हमें यहाँ पर तीन सिलाइयाँ बनानी है और यहाँ पर छः फंदे छोड़ देने हैं। छः फंदे हमने तीन फंदे बढ़ाते हुए छोड़े और तीन छः फंदे अब की बार छोड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दो फंदे हम छोड़ देंगे, एक और दो, एक पिंक कलर का और एक आगे से लिया, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारा और सभी फंदे देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से सभी फंदे बना लेंगे। और दो फंदे यहाँ पर फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए दो दो चार दो छः, छः फंदे हमने तीन फंदे बढ़ाए जब छोड़े और दो चार छः, छः फंदे हमने ये तीन रो इस तरह से बिना घटाए बिना बढ़ाए
उतारे, इसमें छोड़ दिए। अब यहीं से पलट जाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब देखिए इस फंदे को हमें उतार लेना है इस तरह से, और पट्टी को आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, जैसे हमने तीन फंदे बढ़ाए थे वैसे ही अब हमें तीन फंदे घटाने हैं। ऐसे, और यहाँ पर देखिए दो फंदे छोड़ देंगे ऐसे, और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे, सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से दो का एक बना देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर दो फंदे घटा दिए, एक फंदा और घटाएंगे तो देखिए दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारा और यहाँ पर देखिए इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और यहाँ पर फिर से दो का एक बनाएंगे ऐसे, और देखिए ये दो फंदे हम बना लेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पर जो तीन छः फंदे हमने दो दो चार दो छः, तीन फंदे जब हमने यहाँ पर बढ़ाए तब छोड़े, और तीन छः फंदे दो दो चार दो छः, ये यहाँ पर जो सीधी सिलाइयाँ बनाई हमें इसमें ना तो कुछ घटाया और ना ही बढ़ाया, उसमें छोड़े हमने छः फंदे, इसलिए हमें इसे तीन भागों में डिवाइड किया। और जो दो दो चार दो छः ये फंदे हमने तीन फंदे घटाते वक्त बनाए, इसी तरह से देखिए हमारी ये हाफ कली, ये एक कली बन के आई। इसी तरह से हमें बनाते हुए इस पूरे मैट को कंप्लीट करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंदे को तो हमें ऐसे ही बना लेना, उतार लेना है, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और अब की बार हमें सभी फंदे इस तरह से पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेनी है। इसमें हमें ना तो कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है ऐसे। यहाँ पर देखिए इस तरह से पट्टी को आगे करके बना लेंगे। अब की बार हमें सभी फंदे बनाने हैं लास्ट तक। ये जो लास्ट के दो फंदे हैं इन्हें भी हम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से कली बन के आई है। इसी तरह से बनाते हुए है हम इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। एक रो हम और बनाएंगे ये। अब की बार देखिए इस फंदे को हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। अगर बनाएंगे तो हमारे मैट में होल बन के आएगा। इस तरह से देखिए सभी ये, इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये रो ऐसे ही बना लेनी है। देखिए पट्टी को पीछे की साइड लेके जाएंगे और इस पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसे क्रॉस करवाते हुए, ताकि हमारा यहाँ पर होल ना बन के आए, और ऐसे ही पूरी रो बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं और ये दूसरी कली हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इस फंदे को उतारेंगे और पट्टी को आगे की तरफ नहीं करेंगे, ऐसे ही देखिए हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेंगे ऐसे। ये एक फंदा बढ़ाया, पट्टी को आप आगे की तरफ करेंगे ऐसे और पूरी रो लास्ट तक बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे क्रॉस कराएंगे हम और ऐसे बना लेंगे, देखिए ऐसे। इसे आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे ही बनाते हुए हम इसकी सभी कलियां कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कली हमने कंप्लीट की, ऐसे ही हम सारी कली बना लेंगे, जैसे जैसे ये कली बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। ऐसे ही बनाते हुए देखिए मैं दो चार कली आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिएगा जैसे हमने इस कली को बनाया वैसे ही हमने ये एक दो तीन चार पाँच पाँच कली बनाई। इसमें मैट को बनाने के लिए आपको यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड हो जाएं, इस तरह से फंदे लेने हैं। जैसे मैंने इसमें 18 फंदे लिए तो देखिए दो चार छः फंदे हमने यहाँ पर तीन फंदे बढ़ाए जब छोड़े पीछे की तरफ, और तीन छः फंदे हमने बीच में जो ये तीन रो बनाई इसमें छोड़े। तो यहाँ पर देखिए दो चार छः, दो चार छः फंदे हमने बीच में छोड़े जब हमने इसमें ना तो कुछ घटाया फंदा और ना ही बढ़ाया, और फिर हमने छः फंदे जब हमने तीन फंदे घटाए जब छोड़े। तो इसी तरह से अगर आप इस मैट को बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका मैट बन के आएगा और इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से देखिए जैसे मैंने ये कली बनाई है ऐसे ही ये पूरा मैट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस मैट को बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। थैंक यू।